हेलो फ्रेंड, मैं शिवानी मिश्रा। स्वागत है आप सभी का डिजाइनपुर में। आज मैं आपके साथ एक बैक ब्लाउज डिजाइन शेयर करने जा रही हूँ। इसकी लंबाई देखिए 13.5 इंच है। इसकी चौड़ाई मैंने 10 इंच रखी है। शोल्डर की चौड़ाई 5.5 इंच है। आर्म होल की भी 5.5 इंच रखे हैं। अगर आप गला ज़्यादा पहनते हैं तो आप गले की मार्किंग 3 इंच भी कर सकते हैं या 2.5 इंच कर सकते हैं। उसके हिसाब से आप शोल्डर भी कर सकते हैं, तो 6 इंच आप शोल्डर रखिएगा। तो मैंने देखिए 2.5 इंच के बराबर मार्किंग की है गले की। नीचे के साइड से 3 इंच पे मार्क कर देंगे। दोनों मार्किंग बराबर करते हैं। यहाँ से एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर दी है। हम गले की लेंथ लेंगे तो 10.5 इंच रख रहे हैं। यहाँ से मार्क कर देंगे और बराबर में ये लाइन ड्रॉ कर दी है। अब यहाँ से गले के डिज़ाइन का मार्किंग किया जाएगा, तो मैंने ये कर दिया है। अब इसकी सेम कटिंग कर देंगे मार्क के ऊपर से ही। तो ये देखिए आज तक मैंने परफेक्ट गले की कटिंग कर दी है। इसके साथ में मेन फैब्रिक लेंगे ब्लाउज की, इसकी भी कटिंग ऐसे कर देंगे जैसे अस्तर का किया है। तो बिल्कुल बराबर में इसके भी गले की कटिंग कर लीजिएगा। अब दोनों फैब्रिक को एक दूसरे के साथ में इक्वली पहले बराबर में फैला लेंगे और गले की स्टिचिंग करेंगे। तो मैंने देखिए परफेक्ट तरीके से गले को पूरा अच्छे से स्टिच कर दिया है। अब क्या करेंगे, इसके गले पे छोटे छोटे कट लगाएंगे। कट लगाने से ये प्रॉफिट रहता है, जब गले को आप पलट कर सीधा करेंगे तो डिज़ाइन बिल्कुल बराबर में आएगी। इसीलिए मैं पूरे गले पे छोटा छोटा कट लगा दी हूँ। अब इसको पलट कर सीधा कर देंगे। अब इसके ऊपर से एक सिलाई लगा तो इसकी फिनिशिंग दे देंगे, इससे गला उभर कर दिखने लगेगा। ये देखिए ये बन चुका है, बिल्कुल अच्छे से मटका शेप में दिख रहा है आपको गला। अब ब्लाउज की ऑल राउंड स्टिचिंग करेंगे। अस्तर कपड़े को बिल्कुल बराबर रखिएगा और साइड साइड से सिलाई लगाते हुए पूरा ऑल राउंड स्टिचिंग कम्प्लीटली कर देंगे। ये मैं साइड से कैसे अटैच करूँ आपको समझ में भी आ रहा होगा, इसी तरीके से आपको अटैच करना है। कम्प्लीटली मैंने इसकी पूरी स्टिचिंग कर दी है। अब यहाँ से नीचे की साइड से फोल्ड करते हुए टक्स लगा देंगे। तो दोनों साइड से इसी तरीके से आपको फोल्ड करते हुए टक्स की स्टिचिंग करनी है। तो मैंने माप लेते हुए अच्छे से मेजरमेंट लेते हुए फिर टक्स को स्टिच किया। अब नीचे का बॉर्डर बनाने के लिए यहाँ से अस्तर की पट्टी यूज करेंगे। तो अस्तर की पट्टी मैंने ले लिया है। इसको ब्लाउज के देखिएगा नीचे की साइड से बिल्कुल बराबर रखेंगे और सिलाई लगाते हुए नीचे की साइड से पूरा अटैच कर देंगे। ये अटैच हो चुकी है पट्टी। पट्टी को नीचे से फैला देंगे, फिर इसके ऊपर से सिलाई लगाते हुए इसकी पूरी फिनिशिंग दे देंगे। अब जो ये मैंने पट्टी ज्वाइंड की, इसको डबल फोल्ड करके ब्लाउज के साथ में ज्वाइंड करना है। फिर सिलाई लगाते हुए पूरा नीचे से स्टिच कर लेना है इसको। ये देखिए कम्प्लीटली नीचे का बॉर्डर भी बन चुका है। अब इसके गले पे डिज़ाइन करेंगे ब्लाउज को साइड रखते हुए। मैंने देखिए पट्टी ले लिया है। पट्टी की चौड़ाई जो रखी है 3 इंच के बराबर में है। इसको डबल फोल्ड करेंगे और साइड से सिलाई लगाते हुए पहले इसको पूरा एंड तक इस तरीके से स्टिच कर लेंगे। तो दोनों पार्ट को मैं एक साथ मिलाते हुए देखिए पूरा एंड तक स्टिच कर दी। इसको पलट कर सीधा करेंगे। तो एक साइड से किसी भी चीज़ से प्रेस करते हुए इसे पूरा पलट कर सीधा कर लीजिएगा। तो ये देख लीजिए सीधा हो चुका है। इसको हाथों से बराबर में प्रेस करते हुए सीधा कर लीजिएगा। अब इसके बीच से सिलाई लगाते हुए मैं इसको डिजाइन बनाऊंगी। अगर आप चाहें तो पट्टी आयरन भी कर सकते हैं। फिर बीच से सिलाई लगाते हुए इस तरीके से फोल्ड करते हुए इसका पूरा फ्रिल बनाएंगे। एक साइड से फोल्ड करके फ्रिल बनाना है, दोनों साइड का नहीं बनाना है। तो वीडियो में आपको समझ में अब भी आ रहा होगा मैं कैसा फ्रिल इसमें बना रही हूँ। इस यही वाला फ्रिल आप बनाइएगा। तो मैंने देखिए एंड तक पूरा अच्छे से इसको स्टिच करते हुए बना दिया। अब इसके बीच से डिज़ाइन करने के लिए, डेकोरेट करने के लिए लेस यूज़ करेंगे। तो लेस को जहाँ सिलाई लगाते हुए मैंने स्टिच करते हुए फ्रिल बनाया था सेम उसी जगह से लेस को भी स्टिच कर लेंगे। ये देखिए मैंने लेस को भी इस पर अटैच कर दिया है। एक्स्ट्रा लेस कट करके निकाल देंगे और ये पट्टी मेरी बन चुकी है। इसको साइड रखेंगे और मैंने देखिए दूसरी पट्टी ली है।
इसकी चौड़ाई जो रखी है 2 इंच के बराबर में है, इसको डबल फोल्ड करेंगे। साइड से सिलाई लगाते हुए पहले इसको फिर नॉर्मली स्टिच कर देंगे। ये देखिए मैंने इसको अच्छे से पूरा स्टिच कर लिया है। अब क्या करेंगे, इसका मैं डिज़ाइन करूंगी। तो इसको पहले देखिए मैं कैसे स्टिच करती हूँ, बना रही हूँ, आप क्लियर वीडियो में समझ में आएगा। तो इसको इस तरीके से यहाँ से लेंगे और यहाँ से ही फ्रिल बनाना, इसका स्टिच फ्रिल इसका स्टिच करना स्टार्ट करेंगे। तो फोल्ड करते हुए छोटे छोटे पार्ट्स में इसको फिर सिलाई लगाते जाइएगा। देख रहे हैं मैं छोटे छोटे पार्ट में इसको कैसे स्टिच कर रही हूँ, ऐसे ही छोटे छोटे पार्ट में आपको इसका फ्रिल बनाना है। तो मैंने कम्प्लीटली ये फ्रिल बना लिया है इसका, ये बन चुका। अब इसका मैं फ्लावर बनाऊंगी। तो देखिए दोनों साइड से मैंने इसके जो कॉर्नर थे उनको भी फोल्ड करते हुए अटैच स्टिच कर लिया है। इस तरीके से पूरा इसको राउंड राउंड कर लेंगी, लपेट लीजिएगा ऐसे ही पूरा राउंड करते हुए। फिर नीचे की साइड से नीडल की हेल्प से पूरा सिलाई लगा देंगे। तो मैंने ये नीडल ले लिया, उसमें थ्रेड भी डाल रखा है। अब देखिए मैं कैसे सिलाई लगा रही हूँ नीचे के साइड से नीडल की हेल्प से। ऐसे ही आपको नीडल की हेल्प से 4 टांके लगा देने हैं इसके ऊपर। ये देखिए मैंने लगा दिया। अब इसको इस तरीके से फैला देंगे। ये फ्लावर देखिए कम्प्लीटली बन चुका है। अब क्या करेंगे, इसको साइड रखेंगे और मैंने देख लीजिए ये 2 फैब्रिक ले लिया स्क्वायर में। इसको इस तरीके से फोल्ड करना है आपको, क्रॉसिंग में फोल्ड कर लीजिएगा। स्क्वायर में फैब्रिक था, इसको फिर डोरी के साइड से अटैच करते हुए अच्छे से स्टिच कर देंगे। फिर पलट कर सीधा करेंगे इसको। ऐसे सेम दूसरे साइड से भी डोरी के स्टिच कर लीजिएगा फ्लावर बनाते हुए। ये दोनों साइड से मैंने फ्लावर अच्छे से अटैच कर दिया है डोरी के, इसको भी पलट कर सीधा कर देंगे। तो कम्प्लीटली बन चुका है। अब इसका जो है ऊपर के साइड से वी नोट टाइप का इसको फोल्ड करेंगे। और देखिए मैंने ये फोल्ड कर दिया, इसके ऊपर फ्लावर रखेंगे और बीच से 100 बटन लगा के सिलाई लगा लीजिएगा, जो नीडल की हेल्प से टांके लगा लीजिएगा। तो ये बन चुका है। उसको साइड रखते हुए ब्लाउज ले लिया है और ब्लाउज के गले पे ये फ्रिल वाली डिज़ाइन पूरा अटैच कर देंगे। तो जहाँ से सिलाई लगाते हुए लेस को अटैच किया था सेम उसी जगह से सिलाई लगाते हुए पूरे ब्लाउज के ऊपर ये डिज़ाइन अटैच कर दीजिएगा। तो कम्प्लीटली मैंने ब्लाउज को अच्छे से डिज़ाइन ब्लाउज दोनों को साथ में स्टिच कर दिया है। अब यहाँ से फ्लावर को भी अटैच कर देंगे। ये ब्लाउज डिज़ाइन बिल्कुल कम्प्लीट है, बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल लग रही, बहुत ही सिंपल सी डिज़ाइन थी। अगर डिज़ाइन आपको अच्छी लगी हो वीडियो को लाइक कीजिएगा, मुझे कमेंट करके बताएं आपको मेरी ये डिज़ाइन कैसी लगी। चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा मेरे लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए। मिलते हैं नए वीडियो में नए डिज़ाइन से, जैसा ब्यूटीफुल सिंपल हो। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।